सत्संग प्रेमियों, आज का ये युग चल रहा है, इसके ऊपर मैं आपको दो चार मिनट के कुछ मेरे माध्यम से, मेरी मति के माध्यम से उपदेश देने जा रहा हूँ। गलती हो तो माफ करना। वो किस तरीका से है कि माँ बापन की सेवा कर रो याई में नाम कुमावे गो, हर माँ बापन की सेवा कर जो याई में नाम कुमावे गो, एरे कट जाए चौरासी तू भारो सोख पावे गो, माँ बापन की सेवा कर जो याई में नाम कुमावे गो, एरे कट जाए चौरासी तू भारो सोख पावे गो। लेकिन सजनों, इस कलयुग की ऐसी रीति चल रही है, अपने माता पिता पे पुत्र का ध्यान नहीं है और माया में फंसे हुए हैं। वो किस तरीका से फंसे हुए हैं कि माँ बापन की सेवा कर ले काई होए माया जोड़ासू, और माँ बापन की सेवा कर ले काई होए माया जोड़ासू, एरे भरो दुख पावे गो इनसे नाता तोड़ा सो, माँ बापन की सेवा कर ले काई होए माया जोड़ा सो, एरे भरो दुख पावे गो इनसे नाता तोड़ा सो। लेकिन सजनों, संसार किस तरीका का होगा? अरे जिन माता पिता ने अपने पुत्र को जन्म दिया है उनको भूल गया और संसार सागर से हेत लगाता है, जबकि उसको ऐसा पता नहीं है कि पहली पूजा तो माता पिता की होती है और दूसरी पूजा गुरु की होती है और उसके बाद में अगर तीसरी पूजा करना चाहता है तो परमात्मा की कर सकता है, लेकिन प्रथम पूजा तो माता पिता की है। लेकिन वो पूजा नहीं करता है और अपनी घरवाली के ऊपर कितना प्यार जताता है, क्या कहता है? क्या कहता है मेरे भैया? और मात पिता से गाड़ी दे मैडम से आई लव बोले रे, और मात पिता से गाड़ी दे मैडम से आई लव बोले रे, एरे सबदन घरवाली के आगे पीछे डोले रे, मात पिता से गाड़ी दे मैडम से आई लव बोले रे, एरे सबदन घरवाली के आगे पीछे डोले। सजनों, माता पिता से तो गाड़ी देता है और घरवाली से आई लव बोलता है। ये आई लव तो मैंने सुन लियो दुनिया पे जैसे घरों ने, मैं तो पढ़े लिखे को न, आजकल तो जानू जानू और खेबर लगा सरेट। दूसरी बात सुनो,
तो और माता पिता को किस तरीका से धिकारता है, अपनी घरवाली को कैसे ऐश कराता है सजनो? क्या कहता है मेरे भैया? और माता पिता को भूल गो घरवाली को ऐसो करावे रे, और माता पिता को भूल गो घरवाली को ऐसो करावे रे, एरे घूमे सिटी में होटल पे खानो खावे रे, माता पिता को भूल गो घरवाली को ऐसे करावे रे, एरे घूमे सिटी में होटल पे खानो खावे रे। अपने माता पिता को अच्छी तरीका की सेवा नहीं देता है और यात्रान में भंडारा करता है और मंदिरों पर दान लुटाता है, लेकिन उसको इस बात का पता नहीं है कि मेरी घर की हालत क्या है और घरवाली को किस तरीका से घुमाने के लिए ले जाता है। क्या कहता है सजनो? क्या कहता है मेरे भैया? हर सेवा कर ले पापा की मत काटे गाड़ी मैया को, हर सेवा कर ले पापा की मत काटे गाड़ी मैया को, तेरे यही पार लगाएगा तेरी डूबियो नैया को, सेवा कर ले पापा के मत काटे गाड़े मैया को, तेरे ये पार लगाएगा तेरे डूबे नैया को। दूसरी बात सुनो, जब होटल पे घुमाने के लिए सिटी में घुमाने के लिए ले जाता है, जब खाना लगवा देता है और खाना खाने वाले दो और प्लेट एक, दोनों घर का साझा बैठ करके खाते हैं और साझे बैठ करके जब पहलाने वाला देते हैं, पहला गास देते हैं, उस टाइम पे पतिदेव अपनी घरवाली से क्या कहता है महेंद्र? क्या कहता है मेरे भैया? आर तुझी भक्ति तुझी शक्ति तुझी भाग्य विधाता है, आर तुई भक्ति तुझी शक्ति तुझी भाग्य विधाता है, एरे अपनी घर गृहस्थी को सारो भेद बताता है, तुझी भक्ति तुझी शक्ति तुझी भाग्य विधाता है, एरे अपने घर गृहस्थी को सारा भेद बताता है। पहले के प्रसंग की बात सुनो, पहले के जमाने में बेटा बेटी के संबंध नाई बामण कर देते थे और वो रिश्ता हमेशा हमेशा चलते थे, लेकिन आज रिश्ता आपस में लड़का लड़की देखते हैं जब होता है,
और जब भी ज्यादा नहीं तो 12 महीना तो बड़े कठिन से रिश्ता निपटता है, तल्लाक नामा भी हो जाता है। ये संसार इस तरीका का है सजनों, समझना चाहिए कि क्षितिजल पावक गगन समीरार, पंच तत्व अति अधम शरीरा, ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और मरने के बाद में ये काया नाशवान है, जीव अमर है, ये जीव वापस चला जाएगा, किराया के घर लेकर के रहता है। तो देखो दूसरी बात और किस तरीका से है सजनों, क्या कहता है मेरे भैया, और तेरी मेरी करता डोले राम नाम नहीं काया में, और तेरी मेरी करता डोले राम नाम नहीं काया में, एरे दुनिया पागल है संसार डूब गो माया में, तेरी मेरी करता डोले राम नाम नहीं काया में, एरे दुनिया पागल है संसार डूब गो माया लेकिन आज के जमाने में शिक्षा देना भी बेकार है, क्योंकि सारा संसार सब बात को जानता है और फिर भी मनमानी करता है। मेरा कहना तो समाज से सजनों यही है कि सबसे बड़ा अगर है तो संसार में माता पिता है, लेकिन इस बात को नहीं मानते हैं और माता पिता की कोई भी सेवा नहीं करते हैं। नित प्रतिदिन मंदिरों में जाते हैं, माला फेरते हैं, अरे माला फेरत जुग गया पंडित भयान कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े स पंडित होए, अरे मंदिर पूजा रोज करो तीर्थ करो 1000, और दया धर्म नहीं जाके हृदय ये सब है बेकार। दया धर्म हृदय में नहीं है सजनों तो सब बेकार है। मेरे कहने की तो एक बात है, इसको मानो वो कौन सी है सजनों, आर मात पिता तेरा घर में भूखा काई होए मंदिर जाबासू, आर मात पिता तेरा घर में भूखा काई होए मंदिर जाबासू, एरे उलटो पाप चंडे गो भाजा गंगा नहाबासू, मात पिता तेरा घर में भूखा काई होए मंदिर जाबासू, एरे उलटो पाप चंडे लेकिन सजनों संसार आज इस तरीका का हो गया है। इस वीडियो की ये लास्ट सरबंदा है, किस तरीका का हो गया है कि सगी भेड़ को 5 रुपया, साड़ी को बेस उड़ावे और जनबाड़ी के जूता दे सासू के ढोके लगावे, ऐसे जमाना आगो तो वो कैसे जमाना आगो सजनों, हर सास ससुर सु मम्मी पापा भरो मीठो बोले रे, ओ सास ससुर सु मम्मी पापा भरो मीठो बोले रे, एरे जेने जन्म दियो जैसे ऐठो ऐठो डोले रे, सास ससुर सु मम्मी पापा